माननीय सदस्यगण, बीते 12 महीने में मेरी सरकार अनेक महत्वपूर्ण विधेयक लेकर भी आए। ये विधेयक आप सभी संसद सदस्यों के सहयोग से आज कानून बन चुके हैं। ये ऐसे कानून है जो विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का मजबूत आधार है। तीन दशक बाद नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करने के लिए मैं आपकी सराहना करती हूँ। इससे लोकतांत्रिक, इससे लोकसभा और विधानसभा के महिलाओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित हुई है। ये ओमेनली डेवलपमेंट के मेरी सरकार के संकल्प को मजबूत करता है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने कमिटमेंट को मेरी सरकार ने लगातार जारी रखा है। गुलामी के कालखंड में प्रेरित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब इतिहास हो गया है। आप दंड को नहीं अपितु न्याय को प्राथमिकता है। न्याय सर्वोपरि के सिद्धांतों पर नई न्याय संहिता देश को मिली है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम से डिजिटल स्पेस और सुरक्षित होने वाला है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम से देश में रिसर्च और इनोवेशन को बल मिलेगा। जम्मू और कश्मीर आरक्षण कानून से वहां भी जनजातीय समुदाय को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलेगा। इस दौरान सेंट्रल यूनिवर्सिटी कानून में भी संशोधन किया गया। इससे तेलंगाना में सरोक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनने का रास्ता सुगम हुआ। पिछले वर्ष सीएसटर अन्य पुराने कानून को भी हटाया गया है। मेरी सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंता से अवगत है, इसीलिए ऐसे गलत तरीके को सख्ती के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया है।